नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कोयंबटूर कार ब्लास्ट, 6 आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी। प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कल पहुंचेगी मध्य प्रदेश। हरियाणा में पानीपत में कच्ची शराब पीने के बाद 4 लोगों की मौत, तो वहीं 2 लोग गंभीर। इंडोनेशिया में भूकंप पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने जताया दुख। उड़ीसा के कोराई स्टेशन पर मालगाड़ी हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 4 अन्य घायल। रोजगार मेला, पीएम मोदी आज 71,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बीएसएफ ने बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। श्रद्धा मर्डर केस, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, सीबीआई को केस सौंपने की हुई है मांग, तो वहीं आफताब की पुलिस कस्टडी 4 दिन और बढ़ाई। लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मैग्नीट्यूड थी तीव्रता। और तीसरा टी20, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टीम इंडिया की पहली बॉलिंग।